दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरह ड्रॉप डाउन की हेल्प से किसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, इसे डिटेल्स में समझने के लिए सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसे किस तरह बना सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ एक टेबल क्रिएट करके रखा है और यहाँ मैंने कुछ टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है। उसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। उस लिस्ट में आपको सम, मैक्स, मीन और एवरेज फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन से मैक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी में हमें कुछ चेंजेस और अमाउंट में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिला है। ये चेंजेस क्या है, हम वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैक्स यानी कि मैक्सिमम, तो क्वांटिटी में हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 34। तो जब हमने मैक्स फॉर्मूले को चूज किया ड्रॉप डाउन से, तो मैक्स फॉर्मूला क्या करता है, इस क्वांटिटी वाले रेंज में से जो मैक्सिमम क्वांटिटी का जो नंबर है वो हमें यहाँ शो करता है। उसके साथ ही अमाउंट में, जो यहाँ अमाउंट का रेंज है उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट का सेल हुआ है वो हमें यहाँ शो करता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से लेता हूँ सम, तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी में हमें इस रेंज का क्वांटिटी का टोटल सम करके हमें यहाँ शो कर रहा है। उसके साथ ही अमाउंट का, मुझे इस रेंज का पूरा अमाउंट का सम करके मुझे इस सेल में शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ड्रॉप डाउन में से जिस भी फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं वो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाता है, देन उसका रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इससे हमारा बहुत ही टाइम सेव हो रहा है, जिससे हमें बार बार इन सभी फॉर्मूले को अलग अलग से लगाना नहीं पड़ रहा है, यानी कि अलग हमें एवरेज लगाना नहीं पड़ रहा है, मीन लगाना नहीं पड़ रहा है, मैक्स लगाना नहीं पड़ रहा है और सम लगाना नहीं पड़ रहा है। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर इसके अलावा आप और भी फॉर्मूला को लगाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आप कैसे करेंगे, मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ सिखाने वाला हूँ। सिखाने से पहले आप मेरी ट्रेनिंग फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ रॉ डेटा लिया है, सेम डेटा लिया है, जस्ट मैंने कलर चेंज किया है फिल कलर, ताकि मुझे ये समझने में आसानी हो कौन सा डेमो है और कौन सा में हमें करके आपको सिखाना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हम ये समझ लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ मैंने चार फॉर्मूले का यूज किया था, सम, मैक्स, मीन और एवरेज। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि आपको कौन कौन सा फॉर्मूले का आपको जरूरत है और कौन कौन से फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आपको जिन जिन फॉर्मूले को यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उन सभी फॉर्मूले को यहां लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहां यूज करना है सम, मैक्स, मीन और एवरेज। ओके, हमें इनको यूज करना है, तो हमें क्या करना है, इसे आगे लिख लेना है। ओके, लिख लेने के बाद आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि यहां हम जिस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, यानी कि जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो है सब टोटल। अगर आपने अभी तक सब टोटल फॉर्मूले को यूज करना आपको नहीं आता है, आपने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स के साथ ये सिखाया है कि सब टोटल फॉर्मूले का यूज हम किस तरह करते हैं और सब टोटल फॉर्मूला का यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, हमें जिस जिस फॉर्मूले का यूज करना है, यहाँ पे हमने उस सही फॉर्मूले को लिख लिया है। आपके केस में और भी फॉर्मूला अगर आप चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा थ्योरी ये है कि हमें लिख लेना है, देन हमें यहाँ ड्रॉपडाउन बनाना है। तो हम उस सेल पे क्लिक करेंगे, देन हमें जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ से आपको लेना है लिस्ट और इस सोर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पूरे रेंज को ले लेना है जिसमें आपने फॉर्मूले को लिखा है, देन ओके प्रेस करिए, आपका यहाँ ड्रॉप डाउन तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वांटिटी लाना है यहाँ। तो देखिए, मैंने यहाँ सम को रखा है, ओके, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ सम फॉर्मूले को सेलेक्ट करके क्यों रखा है, इसका क्या रीजन है, वो भी मैं आपको बताता हूं।
अब आपको क्वांटिटी का सम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एवरेज कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो, मीन भी कर सकते हो, फर्स्ट में मुझे यहाँ सम करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, मैं सम कर रहा हूँ। तो अब क्वांटिटी लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इजिकल टू सब टोटल फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसपे आप देखोगे कि आर्ग्यूमेंट्स जो है सब टोटल का वो ओपन हो चुका है, जिसमें फंक्शन नंबर हमसे पूछ रहा है। उसके साथ ही आप ये भी देखोगे कि यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इन सभी फॉर्मूले का हर एक कोड है, हर किसी का एक कोड है। जैसे कि अगर आप एवरेज यूज करना चाहते हो तो उसका कोड 1 है, अगर काउंट यूज करना चाहते हो तो 2 है। तो इस तरह हम क्या चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। किसका सम करना चाहते हैं, क्वांटिटी का सम करना चाहते हैं। तो सम का क्या कोड है, देखिए आप 9 है, तो हम क्या करेंगे 9 प्रेस करेंगे, कॉमा। उसके बाद हमें रेफरेंस 1 पूछ रहा है, तो उस रेंज को आप ले लीजिए जिसको आप सम करना चाहते हो, देन ब्रैकेट क्लोज करिए, देन एंटर प्रेस करिए। तो देखिए सम हो गया। अब आपको मैं यहां ये बताना चाहूंगा, अगर मैं F2 से एडिट करता हूं तो यहां मैंने 9 लिखा, तो सब टोटल फॉर्मूले को हमने ये बता दिया कि हमें सम करना है। 9 लिख दिया यानी कि सब टोटल फॉर्मूला ये समझ गया कि हमें इस रेंज का, इस क्वांटिटी वाले रेंज का सम करना है। ओके, उसी तरह हम क्या करेंगे, अमाउंट का भी करेंगे, इजिकल टू सब टोटल 9 क्योंकि हम सम करना चाहते हैं, कॉमा इस रेंज का अमाउंट का, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए हमें सम करके हमें यहाँ सब टोटल फॉर्मूला हमारा शो कर रहा है। अगर मैं यहां से अभी ड्रॉप डाउन से अगर फॉर्मूले को चेंज करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारा क्वांटिटी या अमाउंट में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि अभी तक हमने इस सेल को कनेक्ट नहीं किया है, यानी कि लिंक नहीं किया। ये मैंने मैनुअली आपको करके बताया ताकि आपको सब टोटल फॉर्मूला किस तरह काम करता है ये समझ में आ जाए। आपको ये नहीं करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, चलिए जैसे कि आप देखोगे कि 170 लिखा है, अगर मैं इसे एडिट करता हूं तो यहां लिखा गया 9। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। आपको ये नहीं करना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग यहां क्लिक करेंगे, अगेन हम यहां लगाएंगे SUB सब टोटल, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन होने के बाद हम मैनुअली किसी भी नंबर को लिखने के बजाय हम एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि किस एरिया में सेलेक्ट करेंगे, यानी किसके घर पे सेलेक्ट कर रहे हैं, फंक्शन नंबर। इस आर्ग्यूमेंट, जब ये आर्ग्यूमेंट ओपन है, हमसे कोई नंबर पूछ रहा है कि आपको कौन से फॉर्मूले को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोई भी नंबर नहीं देके इस सेल को ले लेते हैं। आप कोई भी सेल दे सकते हो, यानी कि हमने सब टोटल फॉर्मूले को ये कह दिया कि अगर इस सेल में 9 लिखा है तो आप सम कर दो इस रेंज का, अगर 1 लिखा है तो एवरेज कर दो इस सेल का, अगर 4 लिखा है तो मैक्स कर दो इस रेंज का, अगर 5 लिखा है तो मैक्स मीन सॉरी 4 लिखा है तो मीन कर दो इस रेंज का, अगर 5 लिखा है तो मैक्स कर दो इस रेंज का। तो अभी यहां कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, कॉमा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ भी, अगर यहाँ कुछ भी हो, अगर एवरेज हुआ 1 हुआ तो हम इसका एवरेज कर देंगे, आप 9 लेंगे दोगे तो आप सम कर देंगे, तो किस रेंज का आपको करना है, तो इस रेंज का करना है, देन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर प्रेस करिए। अब देखिए आपका जो आ रहा है वो एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ इस सेल को ताकि हमें समझने में आसानी हो। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक इस सेल में कुछ है ही नहीं। अगर मैं 9 लूंगा तो देखिए सम कर दिया ना, अगर मैं 9 लेता हूं, मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में, अगर मैं 9 दिया यहां तो सम कर, सॉरी अगर मैं 9 दिया तो सम कर दिया, अभी तक इस सेल से कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। ओके, ये जो ड्रॉप डाउन, इससे कोई कनेक्शन नहीं हुआ, किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ ये सेल और ये सेल कनेक्शन है, क्योंकि जब हम सब टोटल फॉर्मूला लगा रहे थे तो इस सेल को लिए थे हमने, इस सेल को कोई किया ही नहीं। ओके, तो अगर 9 है तो सम कर दिया, देखिए 170 कर दिया। अगर मैं यहाँ देता हूँ 4, तो देखिए आप यहाँ मैक्सिमम शो कर रहा है हमारा, क्योंकि 4 जो कोड है वो किसका है, मैक्सिमम का। अगर मैं 5 करता हूं तो देखिए मीन कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां हमें देख लेना है, यहां हमें लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे सम के लिए कोड क्या है, 9, मैक्स के लिए है क्या है देख लेते हैं, अगर याद नहीं है तो। ओके, मुझे भी याद नहीं है, तो मैक्स के लिए देखिए आप 4 है, मीन के लिए 5 है। ओके, तो मैक्स के लिए यहाँ 4 लिख दीजिए आप, मीन के लिए 5 लिख दीजिए आप, और एवरेज के लिए 1 लिख दीजिए। इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। ओके, ओके, चलिए
अब हम क्या करेंगे, सेम अमाउंट में भी कर देंगे, इस सेल को ले लेते हैं या डिलीट कर देते हैं अभी, इजिकल टू सब टोटल। इस सेल पे जो भी लिखा है आप वो कर दीजिए, तो अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस सेल पे जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से रेंज का वो अरेंज कर देगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए अभी कुछ आंसर नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना, अब हमें करना क्या है कि हमें इस सेल में ना नंबर लाना है। किसके अकॉर्डिंग लाना है, इसके अकॉर्डिंग लाना है। अगर यहाँ सम हुआ तो 9 यहाँ आ जाना चाहिए, क्यों? अगर यहाँ सम हुआ तो यहाँ 9 आएगा, तो क्या करेगा, ये दोनों में सम कर देगा। अगर यहाँ मैक्स हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, ये 4 रिटर्न करेगा। तो इस रेंज का 4 मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ जाएगा और इस रेंज का मैक्सिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो किस तरह करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो इज इक्वल टू वेलकम, ओके, बहुत ही यूजफुल फंक्शन है एक्सेल का। अगर आप नहीं सीखे हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करके आप सीख सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि ये लुकअप वैल्यू है, आप इसे लुक करो, इस टेबल अरे में कॉमा दीजिए, सेकंड कॉलम से कॉमा, एग्जैक्ट में 0, देन ब्रैकेट क्लोज। अब क्या रिटर्न करेगा मैक्स लुकअप वैल्यू, तो यहाँ ढूंढेगा तो क्या रिटर्न करेगा, 4। इंटरप्रेस करिए, तो देखिए 4 रिटर्न किया, तो 4 रिटर्न किया, तो 4 किसका कोड है, मैक्स का। तो देखिए आप इस रेंज में से जो मैक्सिमम क्वांटिटी सेल हुई वो आपको यहाँ आ गया, उसी तरह इस अमाउंट में जो मैक्सिमम अमाउंट सेल हुआ वो यहाँ आ गया। अगर अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मीन, तो देखिए मीन हमने सेलेक्ट किया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ ला दिया, तो मीन का 5 है। तो वीलुकअप क्या कर रहा है, यहाँ 5 ला दे रहा है इस लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग इस डेटा में से। तो अगर इसे 5 मिल जा रहा तो ये तो इस दोनों सेल से कनेक्टेड है। ओके, तो देखिए लेस सबसे कम क्वांटिटी 10 है तो शो हो रहा है, सबसे कम अमाउंट का जो सेल हुआ है वो 3000 का हुआ है तो वो हो रहा है। अगर आप एवरेज देखना चाहते हो तो एवरेज भी देख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हम जो चाहे जिस भी फॉर्मूले का यूज हम मैक्सिमम करते हैं उस तरह कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ सिर्फ एवरेज सम मैक्स फॉर्मूले का यूज किया। अगर आप और भी फॉर्मूले का यूज करना चाहते हो तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, आप उनका यूज कर सकते हो। ओके, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, हाईलाइट हाइट कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, अब देखिए कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपने किस तरह से किया है। अगर कोई देख लेता है ये अलग बात है, पर उतना कोई ध्यान नहीं देगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही यूजफुल है, आप जरूर प्रैक्टिस करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इस फाइल का, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। और अगर आप इसी तरह का फुल डिटेल्स के साथ एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।